नमस्कार सभी नए सिलेक्टेड प्रोफेसर्स को, और जिनका भी काउंसलिंग नहीं हो पाया है उनके पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि रिजल्ट तो आ गए हैं, अब कई तरह से उनको सोचना पड़ रहा है कि हमारा काउंसलिंग कैसे होगा, हमें कॉलेज कैसे अलाट होगा और इसका क्या प्रोसेस है, क्योंकि बहुत ही लाजमी है कि जब नया नया इस तरह का हो रहा है तो सोचना भी पड़ रहा है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो इन्हीं सारे चीज़ों को कवर करते हुए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही सटीक तरीके से समझा देना चाह रहा हूँ कि कैसे ये प्रक्रिया आगे जाएगी। देखिए, अब आपका इंटरव्यू हो चुका है, इंटरव्यू होने के बाद में आपका रिजल्ट भी आ चुका है और उसके बाद में एक नोटिस आएगा निदेशालय की वेबसाइट पे कि जिस भी सब्जेक्ट है, जैसे आप क्या मान लिया आपका इंग्लिश है, इंग्लिश का आ चुका है, एंशेंट हिस्ट्री है, तो दो तीन सब्जेक्ट का नाम दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इस डेट को, इट मे बी कमिंग 15 डेज, और सपोज दैट टुडे इज 5th of July, सो इट मे बी दैट ऑन 20th of July, बोला दिया जाएगा कि 20 जुलाई से वेबसाइट पे लिंक खुल जाएगा और आप अपने प्रपत्र को वहाँ से डाउनलोड कर लें। दो तीन चीज़ें हैं इसमें आपको ख्याल रखना है, ये कि आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो पूरी तरह से सही हो, क्योंकि इसमें आपको एक ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप अपना प्रपत्र वहाँ से डाउनलोड कर रहे होंगे। जब तक आप वहाँ पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में प्रपत्र में आपका नंबर देखा जाएगा और जैसे ही आप अपना ओटीपी डाउनलोड करेंगे आपको कॉलेज की एक लिस्ट आ जाएगी, जो सिलेक्टेड कॉलेज आपने डाला हुआ था उसमें जो कॉलेज आपको आपके मेरिट के हिसाब से मिला है उस कॉलेज का नाम आ जाएगा और ये बता दिया जाएगा कि कुछ दिनों के बाद में आप जा करके वहाँ पे ज्वाइन कर लें। ये बस इतना छोटा सा ही प्रोसेस है। ये कैसे होगा इस चीज़ को और किस वेबसाइट पर होगा, कैसे जा करके हम करेंगे, मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा जो अभी इसके पहले वाला जो ज्वाइनिंग हुआ था आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 47 में और जो वो काउंसलिंग था और ये काउंसलिंग है उसमें बहुत डिफरेंस है। चलिए आकर के देखते हैं कि ये कैसे होगा। ये आप देखें, यहाँ पर कोई भी ब्राउजर है आपने खोल लिया है, ये मोजेला हो सकता है या गूगल क्रोम हो सकता है। इसमें आप गूगल पे जाएं और सिंपली आपको टाइप करना है ये हायर एजुकेशन की वेबसाइट, इसको एंटर कर दें। एंटर करने के बाद में आप देखेंगे कि ये जो वेबसाइट है वो खुल गई है। इसमें देखिए ऑनलाइन आसन व्यवस्था है, 28/1/2021 तक विकल्प भरने हैं, खुले रहेंगे। ये जो आप लिंक देख रहे हैं ये 47 के लिए था, 2021 की बात हुई थी। अभी आपको क्या करना है कि ना तो इस पे जाना है ना इस पे जाना है, आपको विज्ञापन संख्या में चयनित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के अभ्यर्थी आसन व्यवस्था हेतु ऑनलाइन विकल्प भरे हुए विकल्पों के आवेदन पत्र प्रिंट करें, बस आपको यहीं पर जाना है। आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में इतने सारे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, ये इन सारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इंस्ट्रक्शन का आपको कोई भी काम नहीं है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि विज्ञापन संख्या 47 के लिए दिया गया था। आपको ये विज्ञापन संख्या 50 में चयनित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के अभ्यर्थी आसन व्यवस्था हेतु ऑनलाइन विकल्प भरें भरे हुए विकल्पों के आवेदन पत्र प्रिंट करने हेतु यहाँ क्लिक करें। तो आपको करना क्या है, बस यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आप ये क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस क्लोज्ड। प्रोसेस क्लोज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी कोई भी काउंसलिंग नहीं चल रही है, या अभी किसी का भी इसके पहले जितना हिंदी का हुआ था वो सब डाउनलोड हो चुका है। अभी जितने रिजल्ट नए आए हुए हैं उनका एक डेट दिया जाएगा और उनका एक डेडलाइन दिया जाएगा कि 2 दिन में या 1 दिन के अंदर में आपको अपना प्रोसेस पूरा करना है या प्रिंट करना है, उस समय ये खुल जाएगा और वहां पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में आपको एक मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप डालेंगे तो आपका सीधा ही वो कॉलेज का लिस्ट कॉलेज आ जाएगा जहां पर आपको अपॉइंटमेंट मिला हुआ है। उसके बाद का प्रोसेस ये है कि आप उस कॉलेज में जाएंगे और उस कॉलेज में जब जाएंगे तो आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो आपको लेटर मिला है वो भी लेकर के जाना होगा। इसमें दो चीज़ें हैं कि कॉलेज कभी कभी ज्वाइनिंग नहीं करवाते हैं, उसका रीज़न ये है कि निदेशालय से एक स्पीड पोस्ट में पत्र आता है कि हाँ इनको ये कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं आपके कॉलेज में, आपको ज्वाइनिंग करवाना है। तो हो सकता है कि आपको दो बार का चक्कर लगाना पड़े, तो एक बार आप उस कॉलेज में जा करके पूछ लें अगर आपके आसपास है कि क्या प्रोसेस है,
कैसे ज्वाइन करना होगा। उसका ज्वाइन करने का प्रोसेस तो बहुत सीधा है कि वहाँ पर आप जाएंगे, अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, अपना एक अप्लीकेशन देंगे कि आप इसमें सेलेक्टेड हैं, जो आपका प्रपत्र है उसकी फोटोकॉपी लगा देंगे, उसके डिटेल को उसमें डाल देंगे और आपका ज्वाइनिंग आपका प्रिंसिपल जो भी वहाँ का होगा करवा देगा। लेकिन उसके सामने एक ही चीज़ है, वो आपकी ज्वाइनिंग तभी करवाएगा जब स्पीच पोस्ट में निदेशालय से लेटर आ चुका हो। तो इस बात का ही ख्याल रखिएगा। बाकी हैप्पी ज्वाइनिंग और आपका स्वागत है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप जिस भी सब्जेक्ट में आए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, वी सी यू लेटर।